एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग आर्ट प्लस। और आज के इस वीडियो में हम शेडिंग पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं जंगकुक का। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जंगकुक का आउटलाइन ट्यूटोरियल दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी आइज से। तो आइज के लिए मैंने सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर दी है और आउटलाइन के बाद अंदर की ब्लेंडिंग करेंगे। ये बहुत मामूली सा पेपर है और इसलिए इसमें ज़्यादातर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले आप आउटलाइन ना बनाएं, जैसे मैंने किया है, ये मिस्टेक ना करें। अगर आप पहले आउटलाइन बना देंगे तो जितना भी आप ब्लेंड करेंगे वो सब उसी में घुल मिल जाएगा, तो आउटलाइन पता नहीं चलेगी। और आप वापस आउटलाइन बनाएंगे, वापस ब्लेंड करेंगे, तो ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है। अभी बाकी आए नोज़ पर, नोज़ के लिए भी मैंने सेम किया है। पहले बहुत सारा कुछ ब्लेंडिंग करी है, पेंसिल यूज़ करके उसको बहुत ब्लेंड किया है और फिर धीरे धीरे करके उस पर डार्कनिंग दी है, उसके जो जितने भी आउटलाइन है वो करी है। और बाद में हाईलाइट देने के लिए रबर से रफ कर दिया है जो भी है। उसके बाद मैं चीक पोर्शन पर आऊँगी। इसके लिए मैंने यूज़ किया है टिश्यू पेपर को, और क्योंकि ब्रशेस तो हम बहुत छोटी एरियाज़ में, जैसे आईज़, नोज़ वगैरह के साइड में, इन सब एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, बट बड़ी एरियाज़ के लिए आप टिश्यू पेपर की हेल्प। ये है हमारे लिप्स की, तो लिप्स को ड्रॉ करने के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। पहले आप थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर दीजिए और बाद में आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। अभी बात आती है हाथ वाले पोर्शन की। तो मैंने पहले पेंसिल को अप्लाई किया और बाद में फिर ब्लेंड कर दिया। स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे और इफ़ेक्ट्स देने के लिए आप रबर से रफ़ कर लीजिए। बाकी ये जो टैटू पोर्शंस हैं ये डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर दिए हैं। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल, तो आप समझ सकते हैं ग्रेफाइट पेंसिल इतनी डार्क नहीं होती है, बट मैं चाहती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क जो भी रिजल्ट है वो मिले, पर ग्रेफाइट ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने एक ब्लैक कलर यूज़ कर लिया है। और इस ब्लैक कलर को, ये ऑयल पेस्टल ब्लैक है, तो मैंने पहले कर दिया, फिर बाद में ब्लेंड कर दिया उसको। आप भी ले सकते हैं अगर आपके पास चारकोल पेंसिल्स नहीं हैं तो। मैंने ऑयल पेस्टल से ही बाल वाला पोर्शन और जो शर्ट वाला पोर्शन है सब कुछ ऑयल पेस्टल वाले ब्लैक से ही कर दिया है। और बाद में मैंने वाइटनर से हाइलाइट्स दे दी हैं, जैसे कि आँखों में, लिप्स पे, जहाँ जहाँ हाइलाइट्स की ज़रूरत है वहाँ हाइलाइट्स दे दी हैं, और थोड़ा शेडिंग इफेक्ट भी दे दिया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आई एम सो सॉरी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर क्या चीज़ अच्छी लगी। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।